रहे भाई, लड़ाई कर रहे हैं लोग। वंस अगेन WWE चैंपियन। डोमिनेट करने में नंबर वन है छोटी, दहेड़ दे रही है उसकी। अरे मार डाले वहाँ की नहीं टूटा रे, दांत तोड़ दिया। गाइस देखो दांत तोड़ दिया बड़ी वाली ने, निकाल देंगे दांत निकाल देंगे। तो चलते हैं अब काम पर। दहेड़ हाँ भाई, अब आराम कर। कैमरे के आगे नौटंकी है। बेला बाबू क्या हो तुझे, ये तो डफर है। ओए नहीं 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 छोड़। भाई रे भाई, लड़ाई कर रहे हैं लोग। वंस अगेन WWE चैंपियनशिप। रोनाल्डो कहाँ से आ गए। ओह माय गॉड, बैटिस्टा एंड ब्रॉक लेसनर। बैटिस्टा भाग गया, ब्रॉक लेसनर बैठा। ये गांडू देखो, इसकी शक्ल तो देखो गांडू की। ये बैठी है अल्ले गुंडू। बैटिस्टा कहाँ गया, अरे खड़ा है बैटिस्टा। बैटिस्टा गो फाइटर फाइट। नहीं 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 नहीं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैंने गलती कर दी। बैटिस्टा फट गया। अरे भाई बैटिस्टा गया, नहीं बैटिस्टा से लड़ मत। बैटिस्टा भाग गया भाई। बैटिस्टा कहाँ गया, बैटिस्टा से लड़, पकड़ इसको पकड़। बैटिस्टा 1 2 3 स्टार्ट अटैक। अरे भाग गया, अरे भाग गया, अरे भाग गया। वेलकम बैटिस्टा को भगा दिया तुम्हें। अरे तू तो चैंप है मेरी बेटी, चैंप है। यो पिछवाड़े पे मारो उसके। कहाँ चली गई देखो, और देखो ये कहाँ आ गई, कहाँ आ गई ये मेरे ऊपर। वो भी उधर लेट गई, पटकी देंगे तुम दोनों को। और एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। ओ तेरी डालो, थोड़ा चलने देंगे, देखना चाहता हूँ मैं। हाथ हटा दे, फिर से लड़ाई हो चुकी है बैटिस्टा एंड ब्रॉक लेसनर। धड़ 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 तेरी भैंस को। छोटी वाली भी कम नहीं है भाई, डेंजर फेलो है। एक चीज मैंने आपको दिखाई होगी, छोटी वाली के डबल डबल दांत है। ओ आई डोमिनेट करने में नंबर वन है छोटी, धड़ तेरी भैंस की। अरे मार डाले वहाँ की आँख। आई ये तो यूट्यूब पे जाने वाली वीडियो हिट होने वाली है भैंस की। टा ना टूट गया, टूट गया नहीं टूटा, टूट गया लंबा वाला, टूट गया। दांत तोड़ दिया, कोई वाला लंबा वाला टूटा।
दिखा दिखा दांत दिखा इसका वीडियो में दिखा ब्लैंकी इट इज नॉट फेयर। गाइस देखो दांत तोड़ दिया बड़े वाले ने इसका, निकाल देंगे दांत निकाल दें अपने आप तोड़ेगी भाई, लड़ाई भारी पड़ गई, छोटे वाले का दांत तोड़ दिया उसने भाई। ये दुख है, ये लड़ाई में जल्दी से करवाता नहीं, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं एक दूसरे का, सो सैड। बेला सॉरी सॉरी बच्चे। दोस्तों इसका दांत ना इसने तोड़ दिया, जो कि इतने आराम से शांत तरीके से बैठी है, और दांत है इसका मेरे हाथ में, आप देख पा रहे होंगे। देख तूने क्या किया, दांत तूने तोड़ दिया ना, हैं दांत तोड़ा है तूने, उसका दांत तोड़ दिया तूने, बदतमीज लड़की, नुकसान कर दिया क्या, ये शकल दिखा अपनी, खुखा रहे ना तू, तेरी तो पिटाई करनी चाहिए। शांत तरीके से बैठ गई जैसे कि कुछ किया ही ना हो, देख मत ऐसे मेरे को, ऐसे लड़ाई करेंगे तो आगे कैसे प्रमोट होगी तू, बेचारी के दांत तोड़ दे वो आराम से बैठ गई है। इधर देख शकल दिखा, इधर देखा, गिल्टी फील कर रही है ना, गिल्टी फील हो रहा है, तेरी तो पिटाई करनी चाहिए, देखियो बेचारे का दांत तोड़ दिया। दांत तोड़ दिया देख तूने, नुकसान कर दिया, उसका डबल दांत थे, कितना खुश हो रहा था मैं। सॉरी बच्चा, उसको सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, मुक्का मारूंगा तेरे को, सॉरी बोल, मुक्का मारूंगा तेरे को, तेरे को गिल्टी फील भी नहीं होता इतना सुनने के बाद। लेटी हुई है, तू भी एक लड़की है, वो भी एक लड़की है, ऐसे लड़ाई करेंगे दोनों, पूरी कोशिश करता हूँ ना तुम दोनों को साथ में रखने की, प्यार से रखने की है, तुम लोग फाइट क्यों करते हो इतना, इतना फाइट क्यों करते हो। उदास बैठ गई, उदास बैठ गई, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन भरपाई करेगा इसकी, बता बता बता, अपनी शक्ल दिखा, ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, तेरे दांत तो स्ट्रांग है मुझे पता है, शेर की तरह दांत है तेरे, तेरे को कुछ नहीं हो सकता, बट वो तो मासूम बच्चा है, वो तो मासूम बच्चा है, उसका क्या होगा। शैतान लड़की तेरे को पिटाई नहीं करता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी, आराम से बैठे हैं, कोई फिक्र। तो दोस्तों बेला का ये दांत मुझे दोनों से दूर करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा अलग, ठीक है। बेला मैं तेरा ना ये दांत फेंकने वाला हूँ, ठीक है, फेंक दो बच्चे, आखिरी बार देख ले अपना दांत, अपना दांत आखिरी बार देखो, देख लिया, फेंक दिया। डॉग रखने का और डॉग को क्या तरबियत देनी है, क्या सलीका सिखाना है, ताकि मेरे को हार्मफुल तरीके से कुछ पीड़ित ना रहूं मैं, ठीक है, कुछ ऐसी हरकत ना हो जाए मेरे साथ, ताकि मैं घर वालों को भी कुछ ना बोल सकूं, इवन जैसा कि मैं वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूं, ठीक है। तो उसके तौर तरीके से अगर देखा जाए तो मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत मैसेज आप लोगों तक पहुंचे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा,
और यही चीज़ होती है ताकि एक पेट ओनर के अंदर कि अच्छा मैसेज दूसरों के लिए हो, दूसरों के हित में हो, दूसरों के पेट के पास पहुंच सके, ताकि वो अपने तौर तरीके से पेट ओनर अपने पेट्स को सिखा सकें। और हर डॉग फैमिलियर नहीं होता और हर डॉग डेंजर भी नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें हैं कि डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से अपने पेट्स को रख रहे हो, किस तरीके से अपने पेट्स को ट्रीट कर रहे हो। और ऐसा भी है या फिर कि आप खुद डॉग के हाथ में आ रहे हो या फिर डॉग आपके हाथ में, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉग आपको चला रहा है। बट इस तरीके को लेना चाहिए कि हम पेट ओनर हैं, हमें खुद अपनी चीज़ उसके साथ में बांटनी है, क्या मतलब एक अनुभव बांटना है। ठीक है, खाना पीना वो अलग चीज़ होती है, एक अनुभव बांटना, एक शिक्षा देनी है ताकि वो सीख नहीं पाए और समझ नहीं पाए। और इन फ्यूचर जैसे कि इस साल अच्छे से रहा है तो आने वाली साल उसकी बेहतर जा सके। इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप अभी सिखाओगे वो इन फ्यूचर जब तक अंत उसका नहीं होता, ठीक है, खुदा ना खास्ता जब तक वो नहीं जाता इस दुनिया से, तो वो चीज़ बरकरार रहे समय समय के साथ। वो क्या बोलते हैं, वो करता रहती उस चीज़ को दोहराता रहे कि जो मेरे ओनर ने मुझे सिखाया है मुझे भी ये अप्लाई करना है, सीखना है, ठीक है, और कंटिन्यू रखना है इन फ्यूचर। सो ब्यूटीफुल पीपल, इस वीडियो को एंड यहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि आपने कुछ समझा होगा और कुछ तथ्य आपकी ओर से मिलें, यानी कि कुछ कमेंट्स आपकी तरफ से मुझे मिल सकें, इस चीज़ की उम्मीद है, ताकि उनसे मैं और सीख सकूं और अप्लाई कर सकूं अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि हम जितना मजबूत होंगे ना तो सामने वाले को उतना मजबूत कर सकेंगे। दैट्स द पावर ऑफ नॉलेज।